हाय फ्रेंड्स, मैं पवननाथ योगी आज आपको बताऊंगा स्कोडा एक्टिविया की इंजन टाइमिंग कैसे मिलाते हैं। इसकी कैमशाफ्ट की टाइमिंग आपको बताऊं। कैमशाफ्ट का ये आपको स्लॉट दिख रहा है, ये स्लॉट एकदम इसके बराबर रहना चाहिए जो है अभी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको मैं क्रेन की टाइमिंग बताऊंगा। क्रेन की टाइमिंग के लिए देखिए, ये आगे एक कट दिया हुआ है, फ्लाईव्हील कड़े के आगे है ये वाला कट, सामने गियर बॉक्स पे भी एक कट है, ये आपस में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर टाइमिंग नहीं मिले तो एक और ट्रिक है, वो ट्रिक आपको बताऊंगा अभी मैं। कोई भी गाड़ी हो वो ट्रिक 100% काम आती है। ये देखिए एक नंबर वाल है, इसे नीचे दबा के देखेंगे, ये दब नहीं रहा है। दूसरा वाल आपको मैं दबा के दिखाऊंगा, ये देखिए ये वाल आसानी से नीचे दब रहा है, इसका मतलब एक नंबर पिस्टन टॉप पे है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको मैं पंप की टाइमिंग बताऊँगा। पंप की टाइमिंग देखने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को दबा दो ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाए। देखिए यहाँ पे स्लॉट आता है, देखिए पंप की टाइमिंग के लिए यहाँ पे ये स्लॉट है, उसमें 5 mm की एलंकी डल जाएगी, ये स्लॉट ऊपर आता है, ठीक है फ्रेंड्स। बेल्ट इंस्टॉल करेंगे।